नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिन से इंतजार इस गाने का कर रहे होंगे, मिले मन से ये मन मिले तन से ये तन। तो आज जो है हम आपको बहुत बेहतर तरीके से इसका म्यूजिक पार्ट और स्थाई दोनों चीजें बहुत बेहतर तरीके से सिखाएंगे। तो बस इस वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा। इस लहरे को कम्प्लीट आपको सीखना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और कर दीजिए पहले ही लाइक। देखिए ये गाना बहुत पुराना है, स्केल कहीं जो हम नोटेशन आपको जो चीज़ बताएंगे कहीं से भी आप बजा सकते हैं और बहुत अच्छा है। उदित नारायण सर जी ने और गाया हुआ इस गाने को है, बहुत अच्छा जो है नगीना शायद मूवी का सॉन्ग है। और प्लीज जाकर ये जहाँ से गाना पड़ा एक बार उनके चैनल पर यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर सुने इस गाने को। और आ जाइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम इस गाने को प्ले कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना। एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि जैसा फिल्मी दुनिया में गीत कोई बज जाता है वैसा माइकल लाल कोई नहीं बजा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कलाकार हो। जो जो एक बार गाना रिकॉर्ड हो चुका है जिस तरीके से हो जाता है उस तरीके से बहुत नामुमकिन हो जाता है, 99.99% तक उस तरीके से कोई नहीं निकाल सकता। 1% भले ही भैया कोई निकाल दे उस तरीके से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई जो है सिखाने वाला कोई भी हो तो थोड़ा बहुत तो कमी रहती रहती है, तो क्लियर समझ लीजिए। लेकिन इस वीडियो में आपको हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरीके से सिखाने की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई ना बजा पाएगा मैं बजा लूँगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जितना बजाऊँगा बताऊँगा उतना आपको कम्प्लीट बहुत अच्छी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से आपको बताऊँगा। बस आप लोगों से निवेदन कुछ नहीं भैया चाहिए, बस एक हमें कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम इसे प्ले कर सकते हैं। देखो इस ट्यून पर है और इसमें एक चीज है कि आप दो तरीके से, एक तो साधारण तरीके से बजा सकते हैं, दूसरा जो करेक्ट तरीका है वो हम दोनों तरीका आपको बताएंगे, आप जैसे चाहें उस तरीके से बजा लें। और हमने स्केल सुना है इस वाली स्केल से, ठीक है। आप फिर हम आपको हर जगह से बता देंगे जहां से आप जो है म्यूजिक थोड़ा निकालना बता देंगे। फिलहाल में हम जिस गाने से जहां जिस स्केल से ये गीत प्ले हुआ है हम वहां से आपको इस गाने को बता रहे हैं, क्योंकि गाना जो हमने सुना है तो वो इस स्केल से प्ले हुआ है, ठीक है। तो इस स्केल से हम गिनती के साथ आपको सा रे गा मा पा धा नी सा यही सुर हैं, लेकिन जो है हम आपको सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक जो है और स्थाई दो चीजें आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा चलेगा गिनती के हिसाब से सीखना है, पहले देखो इस तरीके से बजेगा। इस तरीके से, ठीक है। तो पहला जो है म्यूजिक सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो जैसे हम वो नहीं निकालते हैं आला जब चढ़ाते हैं, आला किस आला चढ़ाते हैं, हाँ तो बिल्कुल उस तरीके से चढ़ाना है आपको, ऊपर 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 चढ़ाते चले जाओ। देखो देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ की गिनती में सारे सारे सागा सारे सागा, फिर हमारा रे और फिर गा, मतलब नोटेशन गिनती से देखो जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। एक दो तीन देखो पहले एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ की गिनती में ये बजेगा, लेकिन आपको टच करना है, फास्टली बजाना है, इतना आपका कंप्लीट हो गया आठ की गिनती में। एक दो तीन चार पाँच, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, और चाहे आप सीधे सीधे ले आओ इस तरीके से, देखो चाहो तो आप साधारण बजाना चाहो तो सीधे ले आओ इस तरीके से, सीधा सीधा कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ऐसे ले आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अच्छा उतना नहीं लगेगा, और जो करेक्ट तरीका है वो करेक्ट जैसे आप चाहना बजाना चाहो बजा सकते हो।
इस तरीके से कर दो, पामा गारे सा, पामा गारे सा, लास्ट में पामा गारे सा कर दो, सारे सागा रे मा अप्रिगा पा सारे सागा। देखो सॉरी, हमारी पावर बैंक भी डाउन हो गई हमें लगता है। इस तरीके से आराम से बजाओ, हम एक बार और आपको बता रहे हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। पहला पार्ट देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो बजेगा ये, ये चीज मजे, मतलब फिर वही स्थाई चालू हो जाएगी। फिलहाल में ये देखो, देखो जब आप पूरा बजाएंगे उसके बाद में आपको जो ऊपर उठाना है, तो ये चीज, यानी कि पहले आप बजाएंगे इस तरीके से, फिर आपको ये चीज बजानी है अगला पार्ट जो है। फिर ये बजाना, देख लो ये चीज देख लो, यानी रे पा मापा या रे, आपको रे लेना होगा। देखो देखो ये चीज, देखो यहां से एक दो जब उठाओगे तो यहां से उठेगा, ये चीज ध्यान रखना। देखो अब यहां पकड़ लिया इसे, ठीक है, सीधा यहां से उठाना है, तीन चार बार यहीं पर इस तरीके से करना है आपको। फिर वही म्यूजिक चालू हो जाएगा, फिर आपका गाना चालू होगा, ठीक है। ये तो म्यूजिक हो गया, म्यूजिक और भी बजता है, लेकिन हम आपको जो है थोड़ा सिंपल शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है। उसके बाद में हमारा चालू होता है गाना, मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। जागी तन में अगन, जागी तन में अगन, और अगन की तपन बुझा दे सजना। अब ये चीज सीख लो, मेरे मन से, ये उठेगा यहां से नी से, मेरे मन से ये मन, मेरे तन से ये तन, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। जागी तन में अगन, जागी तन में अगन, और अगन की तपन बु जादे सजना। तो ये चीज है, इसका दूसरा पार्ट हम आपको अंतरा और स्थाई और जो है म्यूजिक आपको सी शार्प से बजाएंगे बताएंगे, ठीक है। वही नोटेशन वही चलेगा, ये चीज आपको किसी भी स्केल से बजाना है, हम अगला नेक्स्ट वीडियो इसका देंगे, जब भी देंगे आप कमेंट करिए उतनी जल्दी दे देंगे, तो हम आपका सी शार्प और जी शार्प दोनों स्केल से और आपको बता देंगे, और सी शार्प से बताएंगे तो हम आपको साथ में अंतरा भी बता देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटा सा जो है वीडियो आपके बहुत समझ में आया होगा, ये लहरा आपको जो है अनुभव हो गया होगा इस वीडियो में कि किस तरीके से प्ले होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी गलती हो तो क्षमा करें, बहुत बहुत धन्यवाद।